सर, मौत ब्लॉक परिसर में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य? आपके विकास खंड मोठ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित और उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित कराई गई योजना है, जिसके माध्यम से 16 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न ट्रेड के जैसे जल गुणवत्ता जांच के लिए समूह NM और आंगनबाड़ी के महिलाओं का 5 का समूह होगा, मेसन का है उसमें 3 लोग एक ग्राम पंचायत से चयनित हो, ग्राम पंचायत द्वारा चयनित हों उनका कराना है, इसी तरह से पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, इन सारे ट्रेडों से 2-2 लोगों का 1-1 ग्राम पंचायत से प्रशिक्षण कराने हैं। अब आपने पूछा हमसे कि इससे युवाओं को लाभ क्या है, तो लाभ के बारे में हम बताना चाहेंगे आपसे कि सरकार की का ये उद्देश्य है कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं और इसमें जो ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी बनाई जाएगी, तो बनने के बाद जब यह ठेकेदार द्वारा या विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत को पानी की टंकी हैंडओवर कर दी जाएगी, तो उसके बाद उसमें जो मेंटेनेंस के जो भी कार्यक्रम चलेंगे, उस कार्यक्रम में जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग जाएंगे, जो ट्रेड के लोग जाएंगे, उनके द्वारा इस कार्यक्रम में मेंटेनेंस की जो भी समस्या दिक्कत भविष्य में आएगी, उसको इनके द्वारा नामित लोगों के द्वारा ही पूरा कराना है। अब बदले में उनको उनकी मजदूरी जो 1 दिन की उचित मजदूरी होती है, वो मजदूरी उनको दी जाएगी, ये उद्देश्य है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो है कहाँ तक जल संकट जो है कम हो पाएगा इस योजना से? आपने जो कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ तक जल संकट कम हो पाएगा, तो अब तक जितनी भी सरकारें आई या जितने भी जल से संबंधित परियोजनाएं चली हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और विशेष करके मैं इस बुंदेलखंड और झांसी क्षेत्र की बात में कर रहा हूँ, तो हम लोग और आप लोग भी पढ़ते होंगे कि असिंचित क्षेत्र रहा है, जहाँ वाटर क्राइसिस पहले से भी रहा है, और इस योजना के अंतर्गत सरकार का संकल्पना है, सरकार ने संकल्प लिया इस योजना के तहत कि देश के 18,93,00,000 ग्रामीण परिवारों को, केवल बुंदेलखंड और झांसी और मोठ ब्लॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के 18,93,00,000 ग्रामीण परिवारों को पानी की टंकी बना करके पाइपलाइन के माध्यम से डोर टू डोर हर घर नल और नल से जल देने का सरकार का प्रावधान है, जिसमें 1 व्यक्ति पे सरकार के द्वारा 55 लीटर पानी दिया जाएगा, जिससे इस योजना के तहत गाँव में जो पानी की गुणवत्ता और शुद्धता और पानी की जो क्राइसिस है, इन समस्याओं से पूरी तरह से निजात मिलने वाला है, और यह सरकार की सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे सरकार बड़ी मजबूती के साथ अन्य अन्य माध्यमों से काम कर रहा है। कितने चरणों में सर ये ट्रेनिंग हो रही है? ये ट्रेनिंग वर्तमान में जो विकास खंड में ये ट्रेनिंग चल रहा है, ये 7 तरह के ट्रेनिंग है अलग अलग ट्रेड के, जिसमें जल गुणवत्ता के जांच के लिए समूह के द्वारा हमने बताया, महिलाओं के द्वारा, और राजमिस्त्री का ग्राम पंचायत के द्वारा जो नामित सूची है, सूची के आधार पर हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक उसी तरह से पंप, प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये 7 तरह के आपके ट्रेड हैं, इन 7 तरह के ट्रेडों में एक टाइमिंग तय कर लिया गया 18 तारीख से लेकर के और 4 तारीख तक इन सारे ट्रेड को पूरा करें।